Hello guys, how are you? I'm Abdesh, your math teacher, and today I'm welcome you to all to your YouTube channel, Abdesh Kumar Kamath. Guys, आज की वीडियो फिर से होने वाली है ट्रायंगल के थ्योरम क्लास 10th के लिए, और ये थ्योरम भी बहुत इंपॉर्टेंट है लाइक बीपीडी. गाइस, सिर्फ दो थ्योरम आ रही है इस साल, बीपीडी और पाइथागोरस, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज अलग अलग सेट में जरूरी आएगी, किसी में पाइथागोरस किसी में बीपीडी. तो गाइस, पाइथागोरस थ्योरम आप बचपन से पढ़ते जा रहे हो, और ये क्या बोलती है एज अ स्टेटमेंट कि In a right angle triangle, the square of hypotenuse should be equal to, guys, the sum of square of perpendicular and base for a right angle triangle. मतलब triangle कैसा होना चाहिए बच्चों? Right angle triangle. तो अभी अगर मैं roughly बताऊँ तो हमें क्या prove करना है. मान लो अगर हमारे पास ये right angle triangle है बच्चों, जहाँ पर ये हमारे पास 90 degree है ABC, तो हमें यहाँ पर अगर ये perpendicular है, ये base है, then ये हमारा हाइपोटेनस होगा. तो हमें क्या प्रूव करना है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. अगर मैं इस फिगर के हिसाब से देखूं बच्चों, तो हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा? AC का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, करेक्ट, फॉर अ राइट एंगल ट्रायंगल. तो गाइस, ये जो थ्योरम है हमारे पास, इसको मैं अप्रोच करूंगा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, किसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है? तो आइए चलते हैं कि हमें किस तरीके से इसको प्रूफ करना है. प्रूफ करने के लिए बच्चों, मैं एक डायग्राम बना लेता हूं फिगर, और ये फिगर कुछ इस तरीके से होने वाली है बिकॉज एनसीईआरटी में इस तरीके से बनी हुई है कि आपका राइट एंगल ट्रायंगल बच्चों यहां पर है भी, ये भी आपका क्या, आपका क्या कहते हैं, 90 डिग्री एंगल के साथ एक राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें हमने इसका नाम ए ले लिया, बी, सी, ठीक है? मतलब मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म किया बच्चों. मतलब हमारे पास गिवन क्या है, थ्योरम में गिवन क्या है बच्चों, वी हैव व्हाट, अ राइट एंगल ट्रायंगल व्हाट, एबीसी, ठीक है? और जहां पर बच्चों एंगल बी की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री है, करेक्ट. ये हमारे पास बच्चों गिवन है, ठीक है? नाउ अब देखो, इसको प्रूफ करने के लिए हमें प्रूफ क्या करना है, हमें टू प्रूफ ये भी लिख लेना है. टू प्रूफ बच्चों, हमें प्रूफ क्या करना है हम देख लेते हैं. हमें क्या प्रूफ करना है, अब क्योंकि राइट एंगल के सामने वाला बच्चों जो 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, लॉन्गेस्ट साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, तो ये हमारे पास हाइपोटेनस, इसको परपेंडिकुलर मान लो, इसको बेस मान लो, ठीक है, करेक्ट, ये है. तो हमें क्या प्रूफ करना, हाइपोटेनस का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल. मतलब हमें ये क्या प्रूफ करना है, एसी का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू बच्चों आपका एबी स्क्वायर एंड प्लस बीसी स्क्वायर, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है? तो अब इसको प्रूफ करने के लिए मैंने क्या करना है, कंस्ट्रक्शन कर लेना है, और मैंने एक हाइट बना लिया बच्चों, मैंने एक हाइट बना लिया है, दैट इज बीडी, और ये जो बीडी है बेटा परपेंडिकुलर है बेटा किस पे, एसी पे, ठीक है? तो यहां पर कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं. कंस्ट्रक्शन जो है बेटा, हमने क्या लिख लिया कि BD इज परपेंडिकुलर ऑन AC. जो BD है बच्चों वो AC पे क्या है, परपेंडिकुलर है. तो अगर ऐसा है तो प्रूफ के लिए बच्चों ने क्या करना है, बहुत ही आसान तरीका, और प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना है, यहां पर दो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद, ठीक है? अब एक चीज मुझे बताओ, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, दो ट्रायंगल लेना है, यहां पर आपको दो ट्रायंगल दिख रहा है, BDA, BDC, और मुझे क्या करना है अपने प्रूफ के लिए, इस ट्रायंगल को इस पूरे के सिमिलर दिखाना है, फिर साइड प्रोपोर्शन कर लेना है, इस ट्रायंगल को पूरे के इक्वल दिखाना है, साइड प्रोपोर्शन कर लेना है. बेटा ये जो थ्योरम है वो 6.8 है आपका, 6.8 थ्योरम है हमारे पास एनसीईआरटी का पाइथागोरस. इससे पहले 6.7 की स्टेटमेंट है कि इफ यू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम राइट एंगल या वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, टू द हाइपोटेनस, देन दीस टू ट्रायंगल सिमिलर टू द होल ट्रायंगल. मतलब कहने का मतलब, अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल के राइट एंगल वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं एसी पे, तो बच्चों ये जो दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, मतलब एडीबी ये होल ट्रायंगल एबीसी के, और जो बीडीसी है वो होल ट्रायंगल एबीसी के, क्या होगा बच्चों, सिमिलर होगा. तो अगर आप स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं तो उससे दो ट्रायंगल को सिमिलर कर लें, एडीबी को एबीसी के और बीडीसी को
एबीसी के, या दूसरा मेथड क्या हो सकता है, आप इसे सिमिलर प्रूफ कर दें। ठीक है, तो मैं सिमिलर प्रूफ कर देता हूँ ताकि माइंड में स्टेटमेंट याद करने की जो है दिक्कत ना रहे आप पे। ठीक है, तो गाइस मैंने क्या करना है, मैंने लिख लेना है इन ट्राइंगल, हमारे पास दो ट्राइंगल है बच्चों, बी डी ए और एंड ट्राइंगल ए बी सी। करेक्ट गाइस, ये हमारे पास दो ट्राइंगल मैंने ले लिए और मुझे इन दो को सिमिलर प्रूफ करना है। तो आपको सिमिलर के लिए, सिमिलरिटी के लिए सिर्फ दो चाहिए। अभी ये बताओ, अगर मैं बी डी ए की बात करूं और ए बी सी की बात करूं, तो एंगल ए दोनों में कॉमन है बच्चों, और अगर मैं क्या करूं बात ए बी सी और क्या कहते हैं ए डी बी, तो एंगल डी जो है बच्चों, एंगल हमारे पास जो है किसके, एंगल बी के क्या है हमारे पास, कॉमन है 90 डिग्री। तो हम ये लिख सकते हैं एंगल ए शुड बी इक्वल टू व्हाट, एंगल ए क्या है बेटा, कॉमन है ये, और हम क्या कह सकते हैं एंगल डी शुड बी इक्वल टू एंगल बी ईच 90 डिग्री। और इस तरीके से बच्चों हम ये कह सकते हैं कि जो ट्राइंगल बी डी है बच्चों सिमिलर है ट्राइंगल किसके, ए बी सी के। बहुत इजी। और अगर ट्राइंगल हमने क्या कर दिया, सिमिलर प्रूफ कर दिया बच्चों, तो आपको पता है सिमिलरिटी की जो है क्या रिक्वायरमेंट होती है ट्राइंगल के लिए। दो ट्राइंगल कब सिमिलर होते हैं बच्चों, जब उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है और करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं। तो अगर मैंने इसे ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर दिया, तो कहेंगे मैं करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर कर सकता हूँ, यस ना, अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, ये सिमिलर है एंगल एंगल सिमिलरिटी से। तो बच्चों मैं क्या कह सकता हूं, सिंस करस्पॉन्डिंग या सिंस रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर इक्वल, क्योंकि ऐसा होता है बच्चों, इसलिए अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं बेस अपॉन जो है, अब क्या कहते हैं बेस अपॉन बेस, या आप ऐसे कर सकते हो हाइट अपॉन हाइट, है ना। तो मैं क्या करता हूँ बेस अपॉन बेस ले लेता हूँ, एडी इसका इस ट्राइंगल के लिए बेस हो गया, इस ट्राइंगल के बेस का ए बी, तो मैं लिख देता हूँ एडी अपॉन में ए बी। बच्चों अब देखो ना, कंफ्यूज मत होना, बी डी ए के लिए एडी बेस हो गया और ए बी सी के लिए बच्चों ए बी बेस था। ठीक है, अब मैंने ना हाइट अपॉन हाइट, तो बेटा मैं हाइट अपॉन हाइट के लिए क्या लूंगा बच्चा, देखो आपके पास आपके बी डी ए के लिए हाइपोटेनस कौन सा है बच्चों, ए बी है ना, बी डी ए के लिए हाइपोटेनस क्या है बच्चों, ए बी। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया बच्चों, ए बी लिख लिया। ठीक है, और यहां पर जो है हमारे पास आपका जो है बच्चों, इसके लिए हाइपोटेनस क्या होगा बच्चों आपके पास, ए सी, ये सुनो, इसके लिए बच्चों आपके पास हाइपोटेनस क्या होगा, इसके लिए हाइपोटेनस क्या होगा बच्चों, देखो ना, इसके लिए तो इस ट्राइंगल के लिए बी डी ए के लिए हाइपोटेनस ए बी हो गया, तो ट्राइंगल ए बी सी के लिए हाइपोटेनस क्या होगा, ए सी। ठीक, तो ये आपके लिए फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा हमारे पास रिलेशन हो गया इसके लिए। अब ऐसे ही अगर आपको मैं बोलूं कि ट्राइंगल बी डी सी, तो मैंने यहां पर भी ट्राइंगल ले लिया और यहां पर स्पेस नहीं है तो मैं यहां कर लेता हूं बच्चों। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर इक्वल। अब बच्चों मैं यहां क्या कर लेता हूं, मैं अब जो है किसकी बारी है, अब मैं दूसरा ट्राइंगल लेता हूं, इन ट्राइंगल बी डी सी एंड ट्राइंगल ए बी सी। मैं इस ट्राइंगल को भी सिमिलर प्रूफ कर देता हूं, कैसे, फिर से एंगल सी जो बच्चों, एंगल सी कॉमन है दोनों में, ठीक है, और एंगल डी किसके बेटा, एंगल बी के, फिर से हमारे पास ईच 90 डिग्री। अब यहां पर भी देखो, अगर ये हमारे पास सेम हो गया, सॉरी सिमिलर हो गया, तो मैं ये कह सकता हूँ बी डी सी जो बच्चों सिमिलर है किसके, सिमिलर है बच्चों किसके हमारे पास, ए बी सी के, एंगल एंगल सिमिलरिटी से। तो अब इसका भी रेशियो साइड प्रोपोर्शन से क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वल हो जाएगा। तो यहां पर लिख दो फिर से अगेन, रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग
साइड ऑफ अ सिमिलर ट्राइंगल आर इक्वल। ऐसा होता है बच्चों, तो इसलिए अब यहां पर देखो बेस अपॉन बेस, तो अगर मैं सीडी की बात करता हूं तो सीडी अपॉन में क्या लिख सकता हूं बच्चों, सीडी अपॉन में इसका हमारे पास जो है बेस का हो गया बीसी, और फिर यहां पर हाइट अपॉन में हाइपोटेनस अपॉन इसका हाइपोटेनस क्या होगा बीसी, और इसका आपका एसी, ये हुआ ना बच्चों एसी हो गया इसका भाई हाइपोटेनस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये हमारे पास जो बच्चों ये आपकी जो है सेकेंड इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब क्या करना है आप इस फर्स्ट और सेकेंड को बच्चों क्या करना है आपको सॉल्व आउट कर लेना है। कैसे, मैंने इसको आगे सॉल्व आउट नहीं किया, पहले मैंने सिमिलर प्रूफ कर दिया, तो अब देखना क्या करना है आपको, आप इसको इक्वेशन वन मानो या ना मानो कोई दिक्कत नहीं, बट मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा। तो आपको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना था, बट मैंने ये आपको शो करके दिखा दिया कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ठीक है। तो ए डी मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ए डी इंटू ए सी बच्चों क्या हो जाएगा, ए डी इंटू में ए सी और ए बी इंटू ए बी स्क्वायर। आप इसको जो है बच्चों फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिएगा, ठीक है, इस वाले को फर्स्ट इक्वेशन आप मान लो, ठीक है, इसको भी सेकंड वाला मानना, ये हमने कॉन्क्रीट प्रूफ किया था। अच्छा इसमें देखो बच्चों क्या है, अगर मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो सी डी जो है वो ए सी के मल्टीप्लाई हो जाएगा बी सी इंटू बी सी स्क्वायर, ये आप जो है बच्चों सेकेंड इक्वेशन मान रहे हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड इक्वेशन है, अब दोनों को मुझे क्या करना है बच्चों ऐड कर देना है, एडिंग इक्वेशन वन एंड टू वी गेट हमें क्या मिलता है बच्चों, देखो लेफ्ट को लेफ्ट से ऐड करना, राइट को राइट से ऐड करना, देखो ए डी इंटू में सी डी, तो ए डी इंटू में बच्चों सॉरी सी डी नहीं है ए सी है प्लस सी डी इंटू में ए सी, ठीक है, सी डी इंटू में बच्चों ए सी, और इस साइड क्या है बच्चों ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, करेक्ट। नाउ अब क्या होगा, इन दोनों में आप कॉमन देख लो, कॉमन क्या दिखाई दे रहा है आपको ए सी, और ए डी प्लस सी डी इक्वल टू में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, एंड फाइनली बच्चों ए डी प्लस सी डी, देखो ए डी प्लस सी डी बच्चों क्या होता है ए सी, तो मैं यहां लिख सकता हूं आपके पास क्या, यहां पर बच्चों मैं क्या लिख सकता हूं, स्टार डाल के लिख रहा हूं ए सी इंटू में ये ए सी हो गया ए डी प्लस सी डी, और ये ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बच्चों, ठीक है, और ए सी ए सी हमारे पास क्या हो गया ए सी स्क्वायर, और ये ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो आप ये देख पा रहे हो बच्चों हमारे पास कि हमने ये हैंड प्रूफ लिख देना है, हमने ये पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ कर लिया बच्चों, क्या बोल रहा था कि ए सी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो मैंने क्या बताया था आपको स्टेप किस तरीके से करना है, मैं फिर से बता दूं, बिकॉज मैंने पहले जो है सिमिलर प्रूफ कर दिया इनको, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, सब प्रूफ में पहले ये ट्राइंगल कॉन्वेंट प्रूफ कर देना है, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है, मतलब जैसा बोर्ड पे लिखा है वैसे ही आपको सॉल्व आउट करना है, फिर दूसरा ट्राइंगल लेना है सिमिलर प्रूफ करके साइड प्रोपोर्शन करके क्रॉस मल्टीप्लाई करना है सेकंड इक्वेशन एडिंग बोथ इक्वेशन वन एंड टू, एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ दिस राइट एंगल ट्राइंगल फॉर पाइथागोरस थ्योरम, एंड इट शुड बी इक्वल टू ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो गाइज आपका ये जो क्वेश्चन है 4 मार्क्स का एक फिक्स क्वेश्चन है, और इसके बेस्ड बीपीटी और इसके बेस्ड जो क्वेश्चन लगाने हैं आपको एनसीईआरटी में, और इसका एक श्योर शॉर्ट वीडियो देके आऊंगा बीपीटी के क्वेश्चन का, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी के और पाइथागोरस का, तो दो वीडियो बनाने वाली ट्राइंगल के बच्चों, तो वेट फॉर दैट एंड कीप लर्निंग, बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियोस, मिलते हैं बच्चों।